हरि ओम तत्सत। सबसे पहले मैं अध्यात्म और संस्कृति के धर्म के विराट विराटिका में वास करने वाले राम कृष्ण महावीर बुद्ध गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक स्वामी विवेकानंद और जगत गुरु आदि शंकराचार्य ऐसे अनेक महान पुरुषों की भगवंतों की तपोभूमि अवतरित भूमि जन्मभूमि भारतवर्ष से आकर बसे हुए इस नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में सारे मंदिर के प्रतिनिधि और जो भी अमेरिकन मेरे भाई बहन हैं, सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लव की छटा से सुशोभित, मैं सभी अपने अपनों का भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से तेजल और अमित के तत्वधान से इस विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बुलाए गए और किए गए इस धर्म सभा में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। एक प्रश्न आता है कि हम कहते हैं जब सब धर्म एक है तो फिर अगर हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम अपने सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो इसमें हमारी प्रधानता क्या है, हमें लाभ क्या है? बहुत बड़ा लाभ है। धर्म जो हुआ धारती इति धर्म है, जो धारण हो जाए, जिसको हम धारण कर ले, जो हमें धारण कर ले, उसी को धर्म कहते हैं। और हर जीव का हर पदार्थ का जो मूल स्वभाव है वही उसका धर्म है, वही उसका धर्म है। अब धर्मों में जितने भी महापुरुष आए, ऋषि मुनि संत, उस सब रिसर्चर थे, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने खोज किया। आज अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, आर्किमिडीज, इनको खड़ा किया जाए तो इनसे बड़े रिसर्चर हमारे जगतगुरु शंकराचार्य, इनसे बड़े रिसर्चर हमारे स्वामी विवेकानंद जी, इनसे बड़े रिसर्चर हमारे और महापुरुष हुए। अब अंतर यह हुआ कि इन लोगों ने पदार्थ का रिसर्च किया, उन्होंने परमात्मा का रिसर्च किया। इन्होंने वस्तु को बनाया, उन्होंने व्यक्ति को बनाया। धर्म व्यक्ति का निर्माण करता है और विज्ञान वस्तु का निर्माण करता है। विज्ञान तोड़ तोड़ कर पाता है, धर्म जोड़ जोड़ कर पाता है। तो अगर आप किसी उस धर्म के अनुयायी हैं जो 500 वर्ष पहले आया, तो आपको 500 वर्षों का जो रिसर्च होगा वही उसमें मिलेगा, आप उससे लाभान्वित होंगे। कोई धर्म 1400 ईयर्स पहले आया, अगर आप उस धर्म के अनुयायी हैं तो 1400 ईयर्स के जो रिसर्च होंगे उससे आप लाभान्वित होंगे। कोई धर्म 2000 ईयर्स का है, तो अगर आप उस धर्म के अनुयायी हैं तो 2000 ईयर्स में जो रिसर्च हुआ है उससे आप लाभान्वित होंगे। लेकिन अगर आप सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म में हैं और उसके अनुयायी हैं, तो हमारा धर्म इतना पुराना है कि बियॉन्ड द हिस्ट्री नॉलेज, अनंत राम को आए हुए 3,00,000 बरस पहले, 3,28,238 बरस हो गए, हमारे कृष्ण को आए हुए द्वापर में 5,183 बरस हो गए। तो बियॉन्ड द हिस्ट्री नॉलेज मिलियंस एंड मिलियंस ईयर के, या धर्म इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ईयर का रिसर्च हुआ। बड़े बड़े संत आए, ऋषि आए, मुनि आए, भगवंत आए, और सारे धर्मों में
एक व्यक्ति ही उस रास्ते पर सब लोग चले लेकिन एक ही भगवान हो पाया, एक ही देवत्व हो पाया। लेकिन इस धर्म इतना महान है हमारा धर्म, कारण कि धर्म क्या है, वे ऑफ लाइफ, रिदम ऑफ लाइफ, हमारे जीने की जो वे है, हमारे जीने की जो कला है, उसी को वही हमें धर्म सिखाता है। तो हमारा रास्ता इतना सुंदर है कि इस पर जो आगे बढ़ा वो परमात्मा तुल हो गया। हमारे शरीर में जो पांच कोष से बनाया हमारा शरीर, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, ज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अन्नमय कोष अन्न से बनता है, जो जो हम भोजन करते हैं उससे बनता है। तो हमारे धर्म में भोजन पर भी बहुत ध्यान दिया गया कि पवित्र भोजन करो, दैविक भोजन करो, राक्षसी भोजन मत करो। और यही एक ऐसा धर्म है कि हर चीज में भगवता को ढूंढ लिया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, पृथ्वी देवो भव, सूर्य देवो भव, अग्नि देवो भव, जल देवो भव, हर चीज में ओम देवो भव, हर चीज में देवता को ढूंढा। तो अन्नमय कोष के बाद प्राणमय कोष आता है, और हमारे प्राणमय कोष में जो प्राण होते हैं वो लगभग 33 करोड़ होते हैं, मतलब 33 करोड़ इन मिलियंस में कितना हो जाएगा, 330 मिलियन 330 मिलियन प्राण होते हैं जो प्राणमय कोष में, और एक एक प्राण जो है हमें जीवन देता है। तो कहते हैं देवती इति देवता, जो देता रहता हो उसी को देवता कहते हैं। तो ये जब रिसर्च हुआ तो पाया गया कि हमारे जीवन में 33 करोड़ चीजें दे रही है, हमारे धर्म को हमको दे रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता हैं और वो देते रहते हैं हमें। तो जितने लाखों लोगों का, जो मिलियंस एंड मिलियंस ईयर का जो रिसर्च है वो हमारे हिंदू धर्म को मिला। और अगर आप हिंदू हैं तो आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं, यू फील प्राउड, तुम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, कारण कि तुम्हें इतने महापुरुषों के रिसर्च मिला है तेरे धर्म में, उसका फल मिला है तेरे धर्म में। तुम जन्मों जन्म पीछे तक पहुंच गए हो और जन्मों जन्म आगे तक पहुंच गए हो। हम 7 जन्म पीछे का भी जान लेते हैं, इतना ज्ञान आया, और हम आने वाले 7 जन्म आगे का भी जान लेते हैं। किसी धर्म में रिसर्च नहीं हुआ है, कुछ धर्म का रिसर्च सिर्फ यूनिटी तक पहुंचा, कुछ धर्म का रिसर्च सिर्फ मानवता तक पहुंचा। यह धर्म जो है इससे भी ऊपर गया है, इससे भी ऊपर। और अपने धर्म को हमेशा जिंदा रखना है, हमेशा आगे बढ़ाना है, तो 3 चीजों पर हमें ध्यान देना होगा, सेवा, शिक्षा और साधना। सेवा, जो नीडी है, जरूरतमंद है, हम उनकी सेवा करें। शिक्षा, हम सबको शिक्षित करें, और वो शिक्षा संस्कृति का हो, अच्छी शिक्षा हो। हर जीव अपने नेचर पर चलता है, अपने नेचर से जीता है, अपने प्रकृति से जीता है। मनुष्य प्रकृति से ऊपर भी उठता है और प्रकृति से नीचे भी गिरता है। तो जब मनुष्य प्रकृति से ऊपर उठता है तो संस्कृति में जाता है, और जब प्रकृति से नीचे गिरता है तो विकृति में जाता है। तो मनुष्य दोनों जगह गया है, विकृति में भी पहुंचा है और संस्कृति में भी आया है। हमारी जो संस्कृति है वो हमारे धर्म से आती है, हमारी जो अच्छाइयां हैं वो हमारे धर्म से आती है। तो हम भाग्यवान हैं कि हमारा रिसर्च इतना सुंदर हुआ, इतना महान हुआ कि हम कण कण में परमात्मा को देख लिए, हम हर चीज में परमात्मा का दर्शन कर लिए। यह हमारी खोज है, हमारी स्ट्रेंथ है। इस दुनिया में कोई भी धर्म ध्यान नहीं खोजा, मेडिटेशन नहीं रिसर्च कर पाया, सिर्फ सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म खोजा। कोई भी धर्म प्राणायाम नहीं खोज पाया, प्राणों को और जीवित करने के लिए, वह हमारा हिंदू धर्म खोजा। कोई भी धर्म योग नहीं खोज पाया, हमारे मन, बुद्धि और विचारों को सामान्य करने के लिए,
स्वच्छ करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए हमारा हिंदू धर्म खोजा। कोई धर्म यह नहीं खोज पाया कि माँ जो है मातृ देवो भव, माँ देवता समान होती है, पिता देवता समान होते हैं, गुरु देवता समान होते हैं, कारण कि वो देते रहते हैं हमें। तो देवती इति धर्म, जो देता हो हमारा देवता है, देवती इति देवता। तो हमने इतने खोजे, इतने चीजों को पाए, और कोई कहता है कि हमारे धर्म में एक भगवान है, अतः उनका रास्ता इतना ऑर्डिनरी है कि उस पर चलकर एक ही भगवान आया, एक ही बना, दूसरा बन ही नहीं पाया। तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हारा रास्ता कितना महान है कि जो उस पर चला वो देवत्व को पा लिया, देवता को पा लिया। एक बार सर्वधर्म महासम्मेलन हो रहा था जर्मनी में, मैं भी भाग लिया था, शंकराचार्य भी भाग लिए थे, कुछ और भी महान पुरुष आए थे, ज्ञानी पुरुष और सब धर्म के लोग आए थे। मैंने भारतीय संस्कृति और अपने हिंदू धर्म के बारे में जो अच्छाइयाँ था वो बताया। तो मेरे बाद जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि हमारे पहले जो वक्ता बोल कर गए वो अपने धर्म को इतने महान बता रहे हैं, इतना बड़ा बता रहे हैं, लेकिन उनके धर्म में सूंड वाला, ट्रंक वाला और टेल वाला भगवान है, पूंछ वाला भगवान है, एनिमल का भी भगवान होता है। वो बोले, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि ये तो अपने ऊपर छिटाकसी किया। मैंने ठीक है, मेरी बारी फिर से आने दीजिए, मैं बोलता हूँ। मेरी बारी आई, मैंने उनसे पूछा कि आपके अनुसार आपका रिलीजन किसे कहते हैं, आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द रिलीजन। तो उन्होंने कहा द वे ऑफ लाइफ, चलने का रास्ता। तो हमने कहा कि आपका रास्ता इतना ऑर्डिनरी है कि उस पर कोई भी चलकर फिर से भगवान नहीं हुआ, और हमारा रास्ता इतना महान है कि उस पर पूंछ वाला भी चला, सूंड वाला भी चला तो भगवान हो गया। तो एक बार आप भी चलकर देखो, कुछ हो जाओगे, एक बार अपनाओ इसको। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमको हिंदू धर्म मिला है और विरासत में मिला है। हमें विरासत में ध्यान, प्राणायाम, योग, अच्छाई, शास्त्र, किसी के पास एक शास्त्र है, तुम्हारे पास तो गीता है, चार वेद है, रामायण है, उपनिषद है, तुम तो भाग्यवान हो। किसी के पास च्वाइस ही नहीं है कि एक चीज वही है उसी के पास जाना है, तुम्हारे पास तो सब स्पेशलिस्ट है, आप अलग अलग स्पेशलिस्ट है। धन चाहिए लक्ष्मी के पास जाओ, कुबेर के पास जाओ, विद्या चाहिए सरस्वती के पास जाओ, सिद्धि चाहिए सिद्धिदायत्री के पास जाओ, शिव के पास जाओ, तुम्हें जीवन में सफलता चाहिए कृष्ण के पास जाओ, तुम्हें चरित्र चाहिए राम के पास जाओ। तो तुम्हारे पास तो च्वाइस है, कारण कि तुम्हारा धर्म इतना पुराना है कि उसमें इतने भगवान, इतने देवता आ गए, और किसी का रास्ता इतना ऑर्डिनरी कि कोई नहीं आ पाया एक के अलावा। अब आज जो इस सम्मेलन हो रहा है, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोग अपनी स्वार्थ से ऊपर उठकर, अपनी पर्सनल चीजों से ऊपर उठकर इस संसार और समाज के लिए सोचने के लिए इकट्ठा हुए हैं और सोच रहे हैं। इफ एनी वर्क्स यू आर डूइंग सेल्फलेस इंटेंट, दैट वर्क्स विल बिकम गॉड्स वर्क, एंड वंस बिकम द गॉड्स वर्क यू स्टार्ट द सेंटेंस गॉड विल कंप्लीट इट, यू बिगिन ही विल फिनिश। तो आज जो ऑर्गेनाइजर इसके, जो अपने, वो अपने सेल्फलेस इंटेंट से जो इतनी महान कार्य कर रही है, उनको उनके परिवार को भी मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप सब लोग जुड़े, यूनियन इज स्ट्रेंथ, और संकल्प करें कि आपको क्या करना है, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। और कोई भी कार्य अगर परमात्मा का आप कर रहे हैं तो परमात्मा आपके साथ हो जाता है, और जब परमात्मा साथ हो गया तो आप शुरू करें वो पूरा करा देता है। तो इस सभा में जो बिगुल बजा है, जो शंख फूंका गया है एकता का, यूनाइट होकर अपने से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करने का, संसार के लिए कार्य करने का, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजर हैं मैं उनको साधुवाद देता हूं, और हृदय से मैं उनकी तारीफ करता हूं
कि उन्होंने महान कार्य किया है। और आप लोग 7.3 बिलियन में से इतने लोग ही चुने गए हो, आप भाग्यवान हो कि आपको 7.3 बिलियन में से इतने लोग हो जो इतने में से चुने गए हो, आप तो बड़े भाग्यवान हो कि आपको मौका मिला इस कार्य करने का। और निश्चित इस कार्य को आप लोग करना, यहाँ से निर्णय लेना और संसार, मानवता और अपने धर्म के लिए कुछ ऐसा कार्य कर चलो कि तुम्हारा लाइफ एग्जाम्पल बने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि वी हैव टू चॉइस इन आवर लाइफ, इधर बिकम वार्निंग और बिकम एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो आप सबका जीवन एग्जाम्पल बने नेक्स्ट जनरेशन के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, हम उसे समझाएं कि हमारा धर्म इतना महान है, इतना दयालु, इतना करुणा है, काइंडनेस है हमारे धर्म के अंदर, कि हम सर्प को भी दूध पिलाते हैं, हम सर्प को भी दूध पिलाते हैं। हमारे धर्म में हिंसा का कोई जगह नहीं है, हमारे धर्म में बुराई का कोई जगह नहीं है। पवित्र धर्म, ना सूरा, न शराब, न कबाब, सब चीज़ों से ऊपर उठकर विशुद्ध धर्म के अनुयायी हैं आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं। जो जो इस धर्म में जन्म लेता है वह भाग्यवान है कि उसको इतना महान धर्म मिला, विरासत में इतनी महान चीज़ें उसको मिल गई। मैं फिर से सबको बधाई देता हूँ। कल आप अपने बच्चे को समझाएंगे कि भगवान, गॉड इज एवरीवेयर। आपका बच्चा विज्ञान पढ़ रहा है और पूछे, कहे कि मैं नहीं मानता हूं कि भगवान हर जगह है, आप उसे कैसे समझा पाएंगे? आप उसे बताना, भगवान भ का अर्थ भूमि, ग का अर्थ गगन स्काई, व का अर्थ वायु एयर, आ का अर्थ फायर अग्नि, और न का अर्थ नीर वाटर। ये 5 चीजों से संसार बना है, ये तो सब मानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं। और ये 5 जो तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, वो कहां से है? भगवान से है। भ का भूमि अर्थ, ग का गगन स्काई, व का वायु एयर, आ का अग्नि फायर, न का नीर वाटर जल। तो ये 5 तत्व उसी परमात्मा से आए और ये 5 तत्व से ही ये संसार बना है। सो गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। और बहुत लोग आपको कहेंगे कि आप भगवान की पूजा करने जाते हैं, मूर्ति कभी बोला आपसे? लोग प्रश्न करेंगे, नास्तिक लोग तुम्हें भड़काएंगे, बोला आपसे कुछ, कहा तो फिर तुम्हारा कैसे कल्याण करेगा? नहीं करेगा। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आप लोग क्या चीज को देख करके सजते संवरते हो? आईना को, मिरर को, कांच के टुकड़े को, और उसका नाम है आईना। वो कहता है आईना मैं नहीं हूं, और सही वो नहीं होता। जब हम सामने जाते हैं तो हमें आईना नहीं, हमारा चेहरा दिखता है उसमें, तो आईना को देखकर आप जाते हैं, सजते संवरते हैं। आईना कभी बोला आपसे? कभी नहीं बोला। लेकिन बिन बोले आपके चेहरे के, आपके शरीर के कमियों को दिखा देता है, यहां ठीक कर लो, यहां अच्छा कर लो, बाल को ऐसे कर लो, चेहरे को ऐसे कर लो। तो आप ईयर से ईयर से वो आईना देखते आ रहे हैं, एक दीवार पर टांग दिए हैं कांच का टुकड़ा, और वो आपके चेहरे को सजाने में आपका बिन बोले मदद कर देता है, सजवा देता है। उसी तरह उसी दीवार पर टंगा हुआ भगवान का फोटो और भगवान की मूर्ति भी हमसे कभी नहीं बोला, लेकिन बिन बोले हमारे जीवन को संवार देता है, हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। तो नास्तिकों के बातों पर हम न आए, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और अलग अलग जो हम लोग हैं एक बार जुड़े, यूनियन इज स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति बढ़ेगी और इससे ऊपर उठ करके मानवता के लिए कुछ काम करें। कारण कि मानव के बिना धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर मानव नहीं हो तो धर्म को कौन मानेगा, उस धर्म का आचरण कौन करेगा? तो मानवता के लिए काम करें, जिसके लिए सभा बुलाई गई है। मुझे आशा है कि आप सब इस महान कार्य को जरूर करेंगे, और जब आप इस कार्य को करेंगे तो आपका लाइफ एग्जाम्पल हो जाएगा,
नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो मेक योर लाइफ एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट जनरेशन एंड डू सम ग्रेट थिंग्स कि जुगो जुगो तक लोग याद करें कि इन्होंने एक कार्य किया, आप उसके सहभागी बने, सहयोगी ही नहीं सहभागी, साथ दें। और पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग करेंगे, निश्चित करेंगे, कारण कि विदाउट यू नथिंग इज पॉसिबल, विथ यू समथिंग इज पॉसिबल, प्लस गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमात्मा को अपने साथ जोड़ दें और इस कार्य को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं ऑर्गेनाइजर को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि इतनी महान कार्य किया, सबको एकत्रित करके एक रास्ता दिखाने का कि संसार के लिए हम क्या कर पाएं, क्या करना है और हम कैसे एक रहें। जब एक रहोगे तो तुम जीतोगे, तुम संसार में अपनी छाप स्थापित कर दोगे, और एक नहीं रहोगे तो फिर तुम एक दूसरे को काटते रहोगे और कटते रहोगे। एक व्यक्ति एक बार एक कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था, पेड़ से टां टां करके आवाज़ आ रही थी, तो उस लोहे ने जो काट रहा था उस कुल्हाड़ी ने कहा कि अब कटो क्यों रो रहे हो, तुमको कटना है पेड़। तो उस पेड़ ने कहा कि मैं इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूँ रो रहा हूँ कि तुम मुझे काट रहे हो, तेरी क्या हिम्मत कि तुम मुझे काटते, मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे ही कुछ लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, तेरा बेट बने हुए हैं, इसीलिए तुम मुझे काट पा रहे हो। तो इन चीज़ों को हम छोड़ें, एक दूसरे का साथ दें, एक भावनाओं को साथ लें और इस दुनिया के लिए कुछ ऐसे कर जाएं कि करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीते जाए, खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए, तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इस आशा में कि जिस कार्य के लिए, जिस ध्येय से यह सभा बुलाई गई है, आप सब लोग उससे जुड़ें और उस कार्य को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत साधुवाद।